会把它分开吧。叫我看怎么办？哎，我说还不利索吧？我身体不是该要是属于大，该不成两句话的。都是属于大，两句话的都是属于大，他们一样讲，一样讲。干什么理解？是不是没？你是干嘛的？我感觉这干娘挺开。因为我们爷爷出差，我爷爷给过了，我搞活儿难嘛，这个。但是爷爷家的，我爷爷在南方噻，你看没？我看了，爷爷在出差，我爷爷过来，爷爷多少过来，我爷爷在家，我不是搞活儿难嘛。所以我管他了，爷爷来，给你出门啊。कविता नहीं है उसमें आदत नहीं है कुछ जो कि मनुष्य में चीज ही नहीं है।
विज्ञान के बहुत छोटे सब नहीं तो अभी तक नहीं खुले और फिर विज्ञान जा कर उसका पता लगा तो समझ सकता है कि उस टाइम आप कैसे जानते हैं कैसे जानते हैं तो नहीं जानते ये सब जाना ही हुआ इसलिए सब कुछ जाना हुआ है उसको जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सब क्योंकि सबको समझना भी तो आना चाहिए उसको जरूरी नहीं कि सबको देख लेगा जो जाना नहीं है इसका अगर मौका आएगा तो उसे समझाना इसमें भी बहुत से लोग अपने सहयोग में बड़े कभी कभी परेशान हो जाए मेरे बाप में वो सहयोग में नहीं मेरी माँ है वो सहयोग में नहीं मेरा भाई है वो सहयोग में नहीं चल आप तो है ना आप अपने साथ इतना पुरुष अपने साथ आनंद में रहता है उतना किसी के साथ नहीं रहता है तो सारा कुछ आप ही क्या करते हैं इसलिए ये नहीं है उसमें वो नहीं है इस तरह की बातें सोचना कि ये विचार आता है कि अभी पूरे दादा ने मां ने नहीं किए इसके बाद जो अब आपने साक्षात्कार के लिए आपके मां भाई बहन और इनको तो कोई वो प्रश्न नहीं ये प्रश्न उन लोगों को होता है तो अभी भी आगे अंदर प्राण में आगे के पास हैं वो ये सोचते रहते हैं कि अभी ये मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है मेरी बहन उसमें फंसी हुई है अपने आप को बात है किसी पर जबरदस्ती नहीं हो सकती इसी तरह का एक आत्म साक्षात सबको देख रहे हैं देखा और आनंद था मनुष्य के बालकपन में भी आनंद था ऐसा और उसके सारेपन में भी आनंद था कोई कर बेवकूफ की बात करता है उसका ज्ञान उठा लेता है और कोई समझदारी की बात करता है तो उठा सब चीज में उसे एक आनंद तत्व है कोई मनुष्य का क्षिप्रता से रहता है उसमें भी उसके रहता है ये कहता है कि नाटक है इसीलिए नाटक का किसी नाटक के बारे में लिखता है कि कोई विषय को दिखा दिया आगे बड़ा विषय आगे दिखा दिया और उसका बना करना है तो जब एक बार आपको साक्षात कर दो भी मनुष्य को दिखता है और क्या करना है वापे पर क्या चढ़ रहा है तो बहुत चढ़ गया अब तो सिर्फ आज्ञा चक्र में था और अब तो संसार में भी चढ़ गया अब न जाने क्या क्या होने वाला है वो तो यही सब सोचते रहता है उसको उसमें कोई घबराहट नहीं होती सब ये सोचता है इसकी जो रोड की जो चला है कहीं ऐसा न हो जाए सर सर कट जाए या कुछ तो फिर क्या लगता है थोड़ा सा ठंडा पानी रहे ही रहती है मैं समझता हूँ समझिए मैं भी आपको समझता वो बैठे बैठे उसके बाद जब उसे कहीं आप नाटक लिखिए तो इतना सुंदर वो नाटक लिखे गया वो भी याद रखता कि आप हंस हंस के लोग को उसमें जो ये पुष्टि है इसकी ये किसी में उलझी हुई दृष्टि है इसे निरंतर दृष्टि कहे या साक्षी स्वरूप है उस साक्षी स्वरूप के दृष्टि से ही देख करके वो सारे समाज में इतना सुंदर चित्रण कर देता है सिवाय हंसी के आपको गंभीर से गंभीर बात में भी आप समझ सकते हैं बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो सिर्फ वो गंभीर रहा लेकिन उसमें एक तरह का बड़ा छिपा हुआ संदेश हाँ युद्ध हुआ जब युद्ध देखते हैं जरूर उसकी सजा रहती है सत्ता जी क्या क्यों मान है चाहे सीधे साधे हैं तो क्यों मान है वो जो विपता हमारे अंदर आ जाए अगर आपको साक्षात्कार तो फौरन खबर चली जाएगी परम चैतन्य और जो आत्मकारी ये काम करेगा उसका नाम है वो विपता भी एक तरह से कार्य है कोई आनंददायी चीज होगी वो तो ठीक ही है लेकिन कोई ऐसी भी चीज हो जिसको लेकर विपता आए और मनुष्य सोचे कि ऐसे बहुत सी बातें इस तरह से होती रहती जैसे कि
बारे में बता सकती हूँ। मैं एक बार जब रशिया पहली बार गई थी तो रशिया में आशा था कि मैं सब स्वास्थ्य घर आने पर फिर से रशिया जाने की बात की थी लोग का वहाँ पर, लेकिन तो हमारे घर में ये बात क्या कि अभी हम क्या क्या है फिर आप आपको क्या फायदा है कह दीजिए और तो मैं संभाल लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मुझे मर जाता मैंने कहा इसलिए कि वहाँ जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो होगा कैसे छूटेगा। मैंने कहा ईस्टर्न ब्लॉक के सब लोग वहाँ आएंगे और उस ईस्टर्न ब्लॉक के लोग में से लोगों में से जो लोग बाहर हो जाएंगे जो जाति से पर चेतन का कार्य कर चाहे एक एक क्या। और आश्चर्य की बात है कि उस योग सेमिनार में सिर्फ मैं 45 मिनट बोली और 15 मिनट से रिलैक्सेशन दिया और उसके बाद उसके भी लोग जो अपने अपने देश में गए वहां ही कार्य। सो परम चैतन्य के कार्य के लिए जरूरी है कि आत्म साक्षात्कार ये उनका साधन है। परम चैतन्य का कार्य आत्म साक्षात्कार लोगों के ही इच्छा के अनुसार अगर आपकी इच्छा हो तो वो कार्य हो सकता है पर आपकी इच्छा में भी शुद्धता हो ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप स्वार्थी हो ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप अपने ही बारे में सोचो क्योंकि ये कार्य आत्मा के ही बल पर होता है। और जो आत्मा जो अपना जीवन है वो मैंने आपसे बताया बिल्कुल स्वच्छंद निराकार और निरंतर इस तरह की प्रवृत्ति अंदर से आप छूटे अंदर से आप किसी को छुपाते अंदर से आप किसी को द्वेष नहीं किसी का वत्सल नहीं किसी के लिए आपको लालसा नहीं ये सारे शब्द तो आप ही आप छूट जाने चाहिए। तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना और कहते हैं मन को जो वश में रख कोई किसी को वश में रख नहीं बोल रहे जैसे आप आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाते उस प्रकाश में अपने ही आप यह अहंकार दूरी हो जाए बड़ा है किताब। और जिसने इस ग्राफ को अभी प्राप्त नहीं किया उसको यही सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फैल है। अगर हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फैल हुआ है तो हमारे जीवन हमारे आसपास के समाज में हमारे सहयोग के समाज में हर जगह एक नवीन तरह का मनुष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा आत्मा के प्रकाश से प्राप्त है जिसमें शिव का दर्शन। अब शिव जी को देखा आपने जब उनका विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी जो थी वो तो बहन थी विष्णु जी और विष्णु होते हुए विष्णु उनकी बहन से शादी हुई और ये अपने नंद पे बैठ करके उसके ऊपर लगा लगा के बैठ गए जम के नंदी पर नंदी उठता हुआ चला रहा है और नंदराज उस पर बैठे हुए हैं। ये सब अभिव्यक्ति है कि उनको किसी चीज की लगत नहीं किसी चीज का ये विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए नहीं तो कोई सोचेगा कि मैं कुबेर के बहन से शादी कर रहा हूँ कौन से कपड़े पहनते हैं कौन से रख में जाओ तो 10 दिन पहले उसके कपड़े बनेंगे उसके जूते बनेंगे उसके सारा आकार बनेगा तब वो पहुंचे। पर शिवजी ने सोचा मेरे तो विवाह हो गया था जिससे और उसके सारे से बात आ गई उन्होंने को विचार भी किया और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं जैसे किसी के एकाक्ष थे और किसी के हाथ पैर कभी होंगे तो कैसे सबको साथ में लेके कोई बात इसका प्रतीक रूप से अर्थ होता है कि आपके पास शारीरिक कोई भी व्यंग हो या कोई भी चीज हो जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है कोई सी भी आपकी शब्द कैसे भी आपके अंदर अगर आत्मा का प्रकाश है तो शिव आपको मानते हैं और आपकी बरात में ले जाते हैं।
अब वहां सब लोग देख के आ रहा कि कैसे पूरा मैच चल रहा है, संधि पर बैठ करके दोनों पैर तोड़ रहे और इनको कोई पता नहीं क्या कर रहा है। कुछ आपस में बातें हुई होगी वहां पर, तो उन्हें सोचा होगी कि ये कैसा घूमना चला रहा है। तो पार्वती को जी को अच्छा नहीं लगा, वो तो जानती थी कि मेरा जो है वो आत्मस्वरूप और इसलिए उन्हें सब इसमें हमारे दो अंग चाहिए। एक तो हमारा अंग जो हम आज मैं जो पाए और अंदर का अंग जो है वो हमारे शिव है और उस शिव के जैसे हमें निष्पूर्ण स्वच्छंद और निरासक्त किसी चीज की आसक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती परमात्मा से। फिर बाह्य में आप श्री कृष्ण हो जाए या आप और कोई हो जाए लेकिन अंदर का जो शिव है वो उस जगह से बाह्य का अंग जो है वो मन पूर्ण अब नहीं रहा जबकि आप आत्मा स्वरूप हो गए और जब आप आत्मा स्वरूप हो गए तो इन सब चीजों के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो एकदम एकनाथ जी का ऐसा बड़ा सुंदर कारण है वो गावट लेकर के वहां चढ़ाने और ऊपर चढ़ के उन्हें जाने का अब ये भक्ति का भाव होता था। सब लोग गए कावर को पाल कर देखे उस वक्त वहां पर उन्होंने देखा कि गधा क्या से मारा जा रहा, उन्होंने उसको अपना पानी पिला तो बोलता क्या करते वहां से आप सब कावर करके पैदल चल के आए और इस गधे को आप पानी पिला दिए। उन्होंने तब थोड़ी मालूम थोड़ा श्री कृष्ण यहाँ पर गया है पानी ये जो भक्ति का जो सूक्ष्म भाव है वो एक आत्म साक्षात्कार ही समझ सकता है कि बाह्य को देखना कि हम कावड़ लेके गए और हमने जा करके और हम कौन होते जब वही भाव टूट गया हम ही भाव नहीं रहा और जब वहां पर एक जरा प्यासा एक प्राणी पड़ा था तो आपने पानी पिला दिया ठीक है परम चैतन्य ने कार्य कर दिया हमसे क्या मतलब। इसीलिए जो बहुत सी बातें हम संतों की नहीं समझ पाते हैं वो अब आप समझ पाएंगे तो क्या ध्यान साक्षात कर पाएंगे और आपसे ये सारे और जो ना समझे हमारे अंदर ही संतों के कारण जिनकी पूरा जीवन विक्षिप्तता में रहता है क्योंकि हम स्वयं विक्षिप्त है। अगर पागल खाने में जाएंगे तो अच्छा भला आदमी भी पागल रहेगा उसी तरह की पागल दुनिया में वो आए और समझाने की कोशिश की इसीलिए समझा लेंगे और और परेशान क्योंकि वो आत्मस्वरूप बाह्य में कैसा भी रहे उसकी शिव स्थिति जो है उसकी बाह्य में भी प्रकाशित है। सबसे बड़ी चीज है अवतार अवतार चीज जो है ये इतना उदार है वो है कि उन्होंने राक्षसों से वरदान दे चलो वो चाहिए पार्वती से भी पार कर क्या चाहिए औदार जो सब चीज को जानते हैं यह प्रश्न नहीं रहता इसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब जानते हैं। शिव मस्जिद है वो अपने में बड़ा समाधानी होता है और वो सब कुछ जानता है सब कुछ समझता है वो कहेगा नहीं क्योंकि वो सब जानता है। और सबसे बड़ी शिव की शक्ति है प्रेम प्रेम निर्वाज इसमें की कोई ब्याज नहीं देना ब्याज तक नहीं देना निर्वाज पैदा
तो नहीं जबरदस्त है, उसका नाम तो देख करके आपके अचंभे में पड़ेंगे। मुझे बहुत पहले माँ की शादी हो, तुमने क्यों मदद करी, तो बड़ा खराब देखिए क्या होते हैं भाई, अब क्या करें, वो आया को ही हमें माना। आप सबको नमस्कार।